सर आजकल कोरोना जो है भयानक रूप में आ गया है और दिन प्रतिदिन संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो इसकी रोकथाम के लिए, जागरूकता के लिए आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरे ख्याल से हम लोग कहीं ना कहीं पर गलती कर जाते हैं, जो कि आपस में सोशल डिस्टेंसिंग को प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पा रहे। दूसरी चीज, हम जितने भी दूर एक दूसरे से रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। हमें एक सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करना जरूरी है, सबसे पहला काम। और दूसरा, हमारे को अपने चेहरे पर मास्क पूरे टाइम लगा कर रखना चाहिए। ये दो चीज़ों से हम अपने आप को बचा पाएंगे। अगर हम अपने को बचाएंगे तो हम दूसरों की तरफ ये रोग को फैलने से रोक सकते हैं। अगर हम अपने आप को ही नहीं बचाएंगे तो हमारे से ये रोग दूसरों को भी लग सकता है। ये बहुत खतरनाक महामारी है, हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर किसी को हो गया तो ये उसको नहीं पता या किसी को भी नहीं पता कि ये किस स्टेज तक जा सकता है। ये बहुत हल्के में कुछ सिम्टम्स के साथ खत्म हो सकता है और बहुत आगे भी बढ़ सकता है, जिसमें कि मरीज की मृत्यु तक भी हो सकती है। लेकिन किसी भी पेशेंट में आपको होने के बाद ये पता नहीं है। इसके सिम्टम्स 7 से 8 दिन के बाद में आने शुरू होंगे और वो इतनी जल्दी से फिर रैपिडली डिटेरियोरेट करेंगे या खराब होंगे कि उस वक्त करने लायक ज्यादा चीजें नहीं रहती। अच्छा सर, ये शादी विवाह से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं, तो इसके लिए सरकार को क्या एडवाइजरी देनी चाहिए? सरकार को सबसे पहले तो जो शादी करने वाले हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि बहुत कम लोगों को बुलाएं। ये उनका पारिवारिक फंक्शन समझकर करें, उसमें बाहर वाले लोगों को इन्वॉल्व ना करें। शादी के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा मेंटेन रखें और खास करके जो आयोजक हैं या जिस स्थल पर वो हो रहा है उन लोगों को भी सरकार ने एक स्पष्ट निर्देश देने चाहिए कि वो इस सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करवाएं। ये उनकी भी जिम्मेवारी बनती है। अच्छा, अभी रिसर्च में आया है कि जो कोरोना है हवा में घुलकर भी जो है दूसरे को संक्रमित कर रहा है। अभी देखा था मैंने न्यूज में, एसी से भी जो है इसका जो है चेन कहीं जुड़ गई है। आपका कहना बिल्कुल ठीक है, हवा में ही ये संक्रमित हो रहा है। हवा में ये काफी टाइम तक, इवन कई घंटों तक ये मौजूद रहता है, तो किसी के भी छींकने से, किसी की भी सांस के रास्ते से आ सकता है। तो अगर वो मास्क लगा के रहेगा तो आगे नहीं फैलेगा, अगर हम मास्क लगा कर रहेंगे तो हमारे पास नहीं आएगा। एसी में, सेंट्रल एसी के साथ में ये ज़्यादातर देखा गया है, क्योंकि सेंट्रल एसी ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, तो उन लोगों में से अगर किसी कोई भी कोरोना संक्रमित है तो उसका वो वायरस एसी के रास्ते से, सेंट्रल एसी के रास्ते से पूरे एरिया में फैल सकता है और वो किसी को भी संक्रमित कर सकता है। ज़्यादातर ससेप्टिबल लोग वही हैं जो 60 साल से ऊपर हैं, या बहुत छोटे बच्चे हैं, या जिनके साथ में बीमारियां हैं। बच खैर इनसे कोई भी नहीं सकता। किसी भी तरीके का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति हो अगर कोरोना के नज़दीक आएगा या उसके कांटेक्ट में आएगा तो उसको होने की पूरी पूरी संभावना है। अमिताभ बच्चन जी मेरे आइडल रहे हैं। मैं बहुत, जब कॉलेज में था तो हमारे लिए तो अमिताभ बच्चन का नाम बहुत बड़ा माना जाता था। मेरी पूरी शुभकामना है कि भाई वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो, इससे कोरोना से उभरे और फिर से हम सब लोगों के सामने में आए। सन 1984-86 में भी उनका जब पेट का हुआ था तब भी सब लोगों ने बहुत दुआएं की थी। उस वक़्त भी वो बहुत खतरनाक तरीके से बीमार हुए थे, लेकिन आज हम उम्मीद ये करते हैं कि वो इतने ज़्यादा परेशान नहीं होंगे और जल्दी ही इस बीमारी से रिकवर होकर हम सब लोगों के बीच में रहेंगे। थैंक यू सर।